यार मैगी तो सबकी फेवरेट होती है, हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट, बच्चों की फेवरेट, सबकी फेवरेट होती है। और सोशल मीडिया पे मैगी के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ है भाई, पूछो ना। कोई चॉकलेट वाली मैगी बना रहा है तो कोई फंटा में मैगी बना देता है। तो आज हम मसाला वाली मैगी बनाएंगे, एकदम चटपटी, जो सबको पसंद आएगी। स्क्रीन पे जो इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं वो हम लेंगे, आप अपने अनुसार जो इसमें कम ज़्यादा करना चाहो वो कर सकते हो। इसे चटपटा बनाने के लिए मैंने घर के थोड़े मसाले इस्तेमाल किए हैं। मैगी के 2 पैकेट हमने यहाँ पे लिए हैं, नूडल्स इसके निकाल लिए हैं 2 पैकेट, और इसे खड़े खड़े पार्ट में इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब, आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल के जीरा को तड़कने देंगे, और 1 छोटा प्याज हमने काट लिया है, 4 से 5 कड़ी पत्ता है उसे इसमें हम डाल देंगे, और 5 से 6 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंगे। हम थोड़ा तीखा बना रहे हैं, चटपटा बना रहे हैं, तो मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले में है मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची और सब्जी मसाला, नमक, हल्का सा नमक आपको डालना है, बहुत मत डाल देना। अब यहाँ पे हरा मटर डाल के थोड़ी सी पानी डाल के इसे हम ढक देंगे पकने के लिए। मटर पड़ा हुआ है इसलिए हमने पानी डाला है ताकि टमाटर और मटर दोनों अच्छे से पक जाए। इसे ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाएंगे। अब चेक करते हैं तो टमाटर और मटर दोनों अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अब 1 गिलास के करीब पानी, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। ये है मैगी मसाला जिससे मेन टेस्ट आता है। मैगी में वैसे क्या होता है, इसी से तो टेस्ट आता है मैगी मसाला से। अब हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए पका लेंगे, एक उबाला आ जाए फिर इसमें डाल देते हैं मैगी। यहीं पे लोग गलती करते हैं, पानी जैसे डालते हैं तुरंत मैगी को डाल देते हैं, और फिर पानी के साथ जब मैगी पकता है तो मैगी एकदम सॉफ्ट हो जाता है, वो गल जाता है मैगी। इस तरीके से अगर आप मैगी डालोगे और थोड़ी देर इस तरीके से ढक के आप पका लोगे तो मैगी आपका एकदम गलेगा नहीं, सॉफ्ट खिला खिला रहेगा, बहुत ज़्यादा ना स्टिकी रहेगा और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। आप देख सकते हैं मैगी हमारी कितनी अच्छी से पक चुकी है, आप देख सकते हैं मैं चला रही हूँ। अब ये खाने के लिए रेडी है, बहुत ही टेस्टफुल ऐसी मैगी बनती है, मसाला मैगी। तो सिंपल तो हम हमेशा ट्राई करते हैं, अब आप मसाला मैगी भी ट्राई करिए और देखिए, बताइए, आप भी बनाइए। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कैसे एक एक नूडल्स आपको अलग दिख रहे हैं। तो लो जी, रेडी है खाने के लिए मसाला मैगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर मत डालिए, लास्ट में जाएगा थोड़ी सी हरा धनिया।